हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे रूल्स कराने जा रहा हूँ जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको स्वयं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जो दोस्तों आज का हमारा जो सबसे पहला नियम या रूल है वो है दो से विभक्त होने का नियम, यानी दो से कोई संख्या कब कटेगी। तो आपको बस याद रखना है कि जिस संख्या का इकाई अंक, देखिए क्या 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 होता है, ये होता है इकाई अंक, ये होता दहाई, ये होता सैकड़ा, ये होता हज़ार, इसके बाद 10,000, लाख, 10,00,000, ऐसे सीक्वेंस चलता है, ठीक है। तो दो से संख्या कौन सी कटेगी जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, यानी जिस भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 यानी सम संख्या होगा, वो संख्या दो से कटेगी। जैसे पहली संख्या, इसका इकाई अंक क्या है, 2, तो ये दो से ही कटेगी क्योंकि ये सम संख्या इकाई अंक है, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, 1 है, तो 1 नहीं कटेगा, ठीक है। आप ऐसे 5 सेकंड के और 2 सेकंड के अंदर आप देख के बता दोगे कौन सी संख्या दो से कटेगी, कौन सी संख्या दो से नहीं कटेगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा जो नियम है वो है तीन से विभक्त होने का नियम, यानी कौन सी संख्या तीन से कटेगी। इसका नियम ये होता है कि जो हमें संख्या दे रखी हुई होती है, इन संख्याओं को हम आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो योग आएगा वो यदि तीन से कटता है तो संख्या तीन से कटेगी, नहीं कटेगा तो संख्या तीन से नहीं कटेगी। जैसे इसका योग हम करके देखते हैं कितना है, 3, 2, 5 और 1, 6, 6, 6 तीन से कट जाती है, जी हाँ, 3, 2, 6 यानी दो बार में कट जाएगी, यानी शेष पर 0 है, यानी ये संख्या क्या है, ये तीन से कटेगी, पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है। दूसरी संख्या हमें दे रखी है वो देखते हैं तीन से कटेगी या नहीं कटेगी, सबसे पहले इसे जोड़ेंगे हम, ठीक है। 9 और 6 हो गए आपके 15, 15 और 5 कितने हो गए, 20, यानी 20 6 से कटती है, नहीं कटती, यानी ये संख्या तीन से नहीं कटेगी। नेक्स्ट हमारा जो नियम है ये है चार से विभक्त होने का नियम, यानी कौन सी संख्या चार से कटेगी। तो आपको क्या करना है, इकाई और दहाई, इसका नियम ये होता है जिस संख्या का इकाई और दहाई का अंक चार से कटेगा वह संख्या चार से विभक्त हो जाएगी, यानी पूरी पूरी संख्या चार से कट जाएगी। जैसे इसका इकाई और दहाई का अंक है 20, 20 चार के टेबल में आता है तो आता है, 4 के 4, 4 के 4, 4 3 बार, 4 4 16, 4 25, 20, 5 बार में आते हैं, ये संख्या ये चार से पूरी पूरी कट जाएगी। 13 आता है इसके टेबल में, 13 नहीं आता, ठीक है, तो ये संख्या नहीं कटेगी। यानी लास्ट के आपको दो अंक देखने, अगर ये दोनों अंक चार से कट जाएंगे तो संख्या चार से कटेगी, और अंक ये चार से नहीं कटेंगे तो संख्या चार से नहीं कटेगी। अब देखते हैं पाँच का नियम। पाँच का नियम सीधा सिंपल है, जिस किसी संख्या का सबसे लास्ट का अंक यानी इकाई का अंक जिसे बोलते हैं वो 0 या 5 होगा तो वो संख्या हमेशा 5 से कटेगी। जैसे पहले जो हमारी संख्या है इसके लास्ट का अंक क्या है, 0 है, यानी ये 5 से कट जाएगी। जो दूसरी संख्या है इसका लास्ट का अंक क्या है, 1 है, यानी इकाई का अंक 1 है, तो ये 5 से नहीं कटेगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट नियम क्या है, 6 से विभक्त होने का नियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। देखो इसमें क्या करना है आपको, 6 क्या होता है, 6 को हम कैसे, यानी कौन से दो संख्याओं को डिवाइड करेंगे हम जिससे कि 6 आ जाएगा, यानी 2 × 3 या 3 × 2, दोनों को हम आपस में गुणा करेंगे, दोनों का आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, 2 × 3 = 6 या 3 × 2 = 6। अब देखो समझो क्या होता है, 6 से वो संख्या कटेगी जो संख्या 2 से कटेगी और 3 से कटेगी। अब हमें पता कैसे चलेगा, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, 2 से संख्या कौन से कटेगी, जिस संख्या का इकाई का अंक या लास्ट का अंक 2 से कटेगा, ये 2 से ज़्यादा कटेगा, ठीक है, पहला हमें नियम मिल गया। दूसरा नियम क्या है, 3 से भी कटना चाहिए। अब देखो 3 से कैसे कटेगा, इसे आपस में जोड़ेंगे, इसे आप जोड़ोगे 5, 5, 10, 10 और 6, 16, 16 और 2 कितने होंगे, 18, यानी इसका कितना टोटल इसको ऐड करने में कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, 18 6 के टेबल में आता है, जी हाँ, 6 के 6, 6 12, 6 3 18, यानी 3 बार में, यानी ये संख्या 6 से कट गई, पूरी पूरी डिवाइड हो गई, यानी जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वो 6 से भी कटेगी, ठीक है। 2 से आप पहले चेक करेंगे, यानी इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए, ठीक है, फिर सब आप ये संख्याओं को जोड़ेंगे, ये संख्या 3 से कट जाएगी, 2 और 3 दोनों से कट जाएगी, तो ये संख्या 6 से कट जाएगी, यानी इसका ये होगा। दूसरी संख्या देखते हैं क्या है, दूसरी संख्या नहीं कटेगी, आप देखते ही बता दोगे कैसे, क्योंकि इसका इकाई का अंक सम संख्या नहीं है, इसका इकाई का अंक क्या है, विषम संख्या है, यानी ये अंक ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। नेक्स्ट जो नियम है वो देखते हैं,
आठ से विभक्त होने का नियम क्या होता है, यानी आठ से वो कौन सी संख्या कटेगी, इसका नियम ये होता है कि आपको ये लास्ट के तीन संख्या देखनी है, यानी तीन डिजिट आपको ये देखने लास्ट के, ठीक है। अगर ये तीनों डिजिट लास्ट के केवल इनमें आपको डिवाइड देना आठ से, यदि तीनों डिजिट आठ से ये कट जाते हैं तो संख्या कट जाएगी आठ से, अदरवाइज कटेगी नहीं, यानी शेषफल इसका जीरो नहीं आएगा, ठीक है। देखते हैं डिवाइड करके, 46 में आप 8 से डिवाइड करेंगे, आप 8 × 5 = 40, यानी आपका शेषफल आया 6, और यहाँ से 4 आया 64, 8 × 64, यानी ये संख्या 8 से पूरी पूरी कट गई, यानी ठीक है। ये आपको तीन अंक देखने हैं इसके लास्ट के, इन तीनों में डिवाइड आपको 8 देना, यदि 8 से ये कट गई तो कट जाएगी, अगर नहीं कटे तो नहीं कटेंगे। देखिए जैसे ये 631, ठीक है, अब मैं 8 से इसे डिवाइड करूँगा, 8 × 7 = 56, ठीक है, 4 × 3 = 7, ये आ गया आपका 71, 71 इसके टेबल में आता नहीं आता, यानी ये इससे 8 से नहीं कटेगी, ठीक है। नेक्स्ट नियम को चलते हैं, नेक्स्ट नियम है 9 से विभक्त होने का नियम, यानी कौन सी संख्या 9 से कटेगी। दोस्तों आपको भी सेम वही रूल से सभी संख्याओं का जो तीन का था, यानी तीन में क्या होता है, वो सारी संख्याएं तीन से कटेंगी, जिनका योग तीन से कटेगा तो सारी कट जाएंगी। 9 का भी सेम वही नियम है, सारी संख्याओं का योग यदि 9 से कटेगा, 9 से विभक्त होगा तो संख्या 9 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। जैसे इसका योग क्या है, इसका योग है आपका, इसका योग यानी इसको जोड़ने पर हमें 36 आएगा, ठीक है, 9 से कट जाएगी 36, तो 9 से 36 कट जाएगी, यानी ये संख्या 9 से कट जाएगी। आप केवल 5 सेकंड में आप बता दोगे देखते के साथ ही कि ये कटेगी या नहीं कटेगी। जो दूसरी संख्या है इसे हम चेक करते हैं, ये 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। 8 और 1 कितना होता है, 9, 9 6 होता है आपका 15, 15 और 5 20, 20 और 4 24, 24 9 से 9 के टेबल में आती है, नहीं आती, 9 के 9, 9 2 18, 9 3 27, यानी ये संख्या 9 से नहीं कटेगी, ठीक है। दोस्तों ये हो गया आपके रूल्स, अब देखते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी एग्जाम्स में आपको, आपने तो ये सीख लिया नियम क्या है, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, ये हो गया 15236, इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि यह तीन से विभाज्य हो जाए, यानी हमसे पूछ रहा है, जो हमें एक संख्या दी गई है, इस संख्या में हम निम्न में से नीचे में जो संख्याएं ऑप्शन में दी गई हैं, इसमें से ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें जो कि पूरी संख्या तीन से कट जाए। अब तीन से कटने का नियम क्या होता है, सबका जोड़ तीन से कटना चाहिए। अब इस संख्या को हम ऐड करते हैं, देखते हैं हमें कितना मिलता है। देखिए 5 और 1 = 6, 6 और 2 = 8, 8 और 3 = 11, और 11 और 6 कितने हो गए आपके, ये हो गए 17, ठीक है। 17 तो तीन से आपका कटेगा नहीं, अब 17 में आप क्या जोड़ोगे, तीन से कट जाएगा, तो 17 में आप एक जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक, आप इसमें ऐड करोगे ये हो जाएगा आपका 18, 18 तीन से डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर, यानी ऑप्शन ये पहला आपका, यानी 1, इस संख्या में आप एक जोड़ दोगे तो ये संख्या तीन से कट जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, हमें सारी संख्याओं को जोड़ के देखना पड़ेगा कि 9 के टेबल में किसका जोड़ आ रहा है, जैसे 3, 2, 5 और 1 = 6, ये आ गया 6, यानी ये 9 से नहीं कटेगी। दूसरा आ गया 6 × 5 = 11, 11 और 4 आ गया आपका 15, यानी ये भी 9 से आपके नहीं कटेगी। तीसरा क्या हो गया, आ गया आपका 5 × 4 = 9 और 3 = 12, ये भी 9 से आपके नहीं कटेगी। तीसरा क्या है, 6 × 2 = 8, 6 × 2 = 8 और 1 = 9, इसका आगे 9, यानी 9 को 9 से डिवाइड करोगे आप ये कट जाएगी, यानी इसका करेक्ट आंसर जो है आपका 126वां, ये करेक्ट आंसर, ये 9 से आपका डिवाइड हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन है ये मैथ में भी आता है आपका, और रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और आपका ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार छोटे छोटे एग्जाम्स में एसएससी एमटीएस वगैरह में पूछ देते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, आपको हमेशा याद रखना है। ऑप्शंस में आपको हमेशा 1 दिया जाएगा ऊपर, तो इसका सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं होती, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो आपको ये क्वेश्चन एज इट इज रट देना है इसे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। ये जो क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन आपको रीजनिंग में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। कौन सी संख्या 6 से विभाज्य, अब देखिए सबसे पहले तो आपको चेक करना 6 से विभाज्य होने का नियम क्या होता है, जो संख्या 2 से कटेगी और 3 से कटेगी वो 6 से भी कटेगी, ठीक है। 2 से संख्या कौन कौन सी कटेगी, एक तो ये कटेगी आपका और दूसरी ये कटेगी, यानी आपके ये दो ऑप्शन तो तुरंत के तुरंत बाहर हो गए, यानी ये दोनों ऑप्शन आपके नहीं है, ऑप्शंस नहीं है। अब हमें इन दोनों में चेक करना है कि कौन सी संख्या 3 से कटेगी। देखिए 5 और 4 = 9,
9 और 2 11, 11 और 7 कितने हो गए आपके, 18 हो गए। ठीक है, यानी ये जो संख्या है 18, ये 3 से कट जाएगी, यानी ये संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी, यानी इसका आपका करेक्ट आंसर ये है। लिहाजा यानी आपने केवल 5 सेकंड के अंदर बता दिया कि 6 से पहले संख्या आपकी कट जाएगी। ठीक है, और जो ये संख्या ये नहीं कटेगी, देखिए 4 और 3 7, 7 5 आपके हो गए, 7 और 5 हो गए 12, 12 और 2 कितने होंगे आपके, 14 हो गए। 14 3 से कटता नहीं कटता, यानी इसका एक गलत आंसर है। इसका करेक्ट आंसर कौन सी संख्या 6 से कटेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो हमारा ये क्वेश्चन है 47894, इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि यह 9 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, और ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मैं इसके लिए हिंट नहीं दूंगा, मैं आपको ऊपर इसका रूल्स पढ़ा चुका हूँ, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और आपको यदि ऐसी ही मैथ की छोटी छोटी ट्रिक्स चाहिए, जो कि जिससे कि एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।